हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एंगुलर मटेरियल का प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुका है और ये हमारा आज दूसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थोड़ा सा एंगुलर मटेरियल का एग्जांपल करके, जिससे कि एक्चुअली में हमें समझ में आ जाए कि हम आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली जब भी कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं सीखना, तो एक्चुअली उसका थोड़ा सा आउटपुट मुझे पता चल जाता है तो और अच्छा हो जाता है सीखने के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने एंगुलर मटेरियल तक इंस्टॉल कर दिया था, बट मुझे डाउट है कि कुछ लोग को समझ में आया होगा, कुछ लोग को नहीं आया होगा। तो आज मैंने एक फ्रेश एंगुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हूँ और इसमें एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करने वाला हूँ। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग को ईजिली समझ में आए। यहाँ प्लस के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एंगुलर मटेरियल स्टार्ट करने वाला हूँ। उससे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ, यहाँ पर एंगुलर मटेरियल की ऑफिशियल वेबसाइट खोलूँगा, जिसके थ्रू मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा। ऐसा ना हो कि फील हो आपको कि बस ऐसे ही कहीं से बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एंगुलर मटेरियल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और पहली चीज़ मैं बता दूँ, जब इसको मैं इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पे कुछ थीम मांगेगा, आप कौन सी थीम रखना चाहते हैं। ये उसका डेमो है, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा इस कलर में। ये है हमारा डीप पर्पल, इंडिगो पिंक कुछ ऐसा दिखेगा, ओके, और पिंक ब्लू ग्रे कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत अच्छा लगता है ये। पर्पल एंड ग्रीन कुछ ऐसा दिखेगा, तो आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। मैं हो सकता है कि मैं कस्टम ही यूज़ करूं, क्योंकि मैं कस्टमाइज ही बनाता हूं। तो यहां पे आपको सिंपली करना क्या है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको सिखाएगा कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसको पहले बाई डिफ़ॉल्ट रखते हैं इंडिगो पिंक, जिससे कि अच्छा दिखता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इंस्टॉल एंगुलर मटेरियल। एंगुलर मटेरियल को इंस्टॉल करने के लिए आपको कौन सा कमांड देना पड़ेगा, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से जस्ट कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल पे आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इंटर करता हूँ, ये हमारा सारा का सारा मटेरियल का सारा चीज़ इंस्टॉल करेगा। उससे पहले कुछ चीज़ें, कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जैसे थीम के बारे में जानना, टाइपोग्राफी के बारे में जानना, तो ये सारी चीज़ आपसे कन्फर्मेशन लेगा कि आप एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये यहाँ पे कंफर्मेशन आता है, वैसे मैं इसको फिल करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जब अगर आप एंगुलर मटेरियल सीख रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको जान लेना चाहिए कि यहाँ पर आपको हर चीज़ का एक एपीआई मिलेगा, बना बना एपीआई, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं एग्जाम्पल में करके दिखाऊँगा, ज़्यादा बर्डन मत लेना। ठीक है, फिलहाल ये कुछ मांग रहा है, दिस पैकेज एंगुलर मटेरियल विल बी इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। यस, हाँ मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ। अब इंस्टॉलिंग पैकेजेज स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा अगर आप मोबाइल डेटा से यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे हर चीज़ का अपना अलग है। अगर आप जैसे कहीं बटन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बटन की एपीआई लगानी पड़ेगी, आइकन यूज़ कर रहे हैं तो आपको आइकन की एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये बना बनाए अपना एपीआई देता है। और यहाँ पर एपीआई का मतलब ये नहीं है कि कोई एक आपको यूआरएल प्रोवाइड करेगा, उस यूआरएल को आप सर्विसेज पे लगाएंगे एंड सब्सक्राइब ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली एक एपीआई का कहने का इसका मतलब ये है कि ये बना बनाया कुछ लाइब्रेरी रखा है, जिसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा मैन्युअली। अभी मैं एग्जांपल में करूँगा तो आप लोग देखना, बहुत ईजी और बहुत आसान है और बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थीम चूज़ करने को मांग रहा है, कह रहा है चूज़ द प्रीबिल्ट थीम नेम और कस्टम ए कस्टम थीम। ठीक है, तो मैं कस्टम ही यूज़ करूँगा, आपको यूज़ करना हो तो आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं कस्टम पे क्लिक किया, अब पूछ रहा है सेटअप ग्लोबल एंगुलर मटेरियल टाइपोग्राफी स्टाइल, टाइपोग्राफी स्टाइल यस मुझे चाहिए, तो मैं इसको लेता हूँ। और ये पूछ रहा है एंगुलर मटेरियल एनिमेशन, यस मुझे ये भी चाहिए। अब ये डायरेक्टली ये आपको इंस्टॉल करके दे देगा एंगुलर मटेरियल। ठीक है, वैसे तो ये बहुत सिंपल और बहुत कूल है, लेकिन जब आप करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें इतना अच्छे अच्छे फीचर हैं, इतने अच्छे अच्छे फीचर हैं, काफ़ी सारे कोड तो ये खुद ही बना के दे देता है, आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे कोड लिखना पड़ेगा। अब जैसे आप बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज़ करते थे तो आपको वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा डीयू क्लास समथिंग समथिंग एल समथिंग, ऐसे लिखना पड़ता था। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ बनी बनाई मिलेगी। अभी मैं आपको वेबसाइट पर ले चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ। देखो, सपोज यहाँ पे अभी एंगुलर हमारा मटेरियल इंस्टॉल हो जाएगा, तो इसके बाद हमें इस पर कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली हमें आना है कंपोनेंट्स पे। ठीक है, कंपोनेंट्स पे आपको यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज दिखेंगी। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज हैं, जैसे जो यूज़ करोगे। तो फिलहाल तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पर कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका टूल बार बनाते हैं। ठीक है, टूल बार क्या है,
जो चीज़ हम लोग नॉर्मल वेबसाइट में नैव बार बोलते हैं उसको एंगुलर मटेरियल अपनी लैंग्वेज में टूल बार बोलता है, ठीक है। और टूल बार क्या है, ये जो आपको लाइन से दिख रहा है गिट हब, ये थीम का ऑप्शन 12.2.3 गाइड सी डी के, ये जो दिख रहा है आपको नैव बार टाइप का, इसी को इसमें टूल बार कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पे टूल बार से बनाना सीखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल करके सीखेंगे, उसके बाद हम एक एक चीज़ पे डीपली कवर करने वाले हैं, एक एक चीज़ को समझने वाले हैं, उसके बाद एक फ्रेश एंगुलर पे और नोड जीएस के थ्रू एक बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसे यूज़ करके आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या रहा। ओके दैट्स कूल, ये हो गया है। तो अब हम एक बार ब्राउज़र को रन कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मैं जैसे ही ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे आपको कोई चेंजेस दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है और कुछ भी नहीं, एक नया पैकेज इंस्टॉल किया और कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले अपने कोड पे आते हैं और यहाँ पे SRC के अंदर आ जाते हैं, और ऐप के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम ऐप कंपोनेंट डॉट HTML को जो है पूरा का पूरा रिमूव करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, अभी मुझे राउटर आउटलेट की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम कंट्रोल ए क्यों नहीं करते और इसको बैक स्पेस कर देते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पर सिंपली हम टाइप करते हैं H1 H2 वेलकम, ठीक है, सेव कर देते हैं और इसको एक बार दिखा देते हैं आपको कि अभी ये कैसा दिख रहा है। तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड टॉप पे वेलकम दिख रहा होगा। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बोला सबसे पहले हम टूल बार यूज़ करेंगे। तो चलिए टूल बार पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। यहाँ इंटरफेस में कुछ आपको डेमो दिखा रहा है कि एक इस तरीके का टूल बार होता है, एक इस तरीके का टूल बार होता है, एक इस तरीके का टूल बार होता है और एक इस तरीके का टूल बार होता है, आप किस टाइप का चाहते हैं। तो मुझे ये तीसरा नंबर चाहिए, ठीक है, ये ब्लू वाला थोड़ा अच्छा दिख रहा है क्योंकि इसमें बैकग्राउंड कुछ नहीं है, तो ये बैकग्राउंड इसमें है अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे हर्ट है, शेयर का शेयर बटन है, हैमबर्गर बटन है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे ये चाहिए। तो अगर मुझे इसको चाहिए तो जो एंगुलर मटेरियल क्या करता है, ये आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सोर्स कोड प्रोवाइड कराता है मतलब इसका मतलब अब आप अपने मन में सोच लोगे कि हम इसको कैसे बनाएंगे, नैब बार नैब क्लास देंगे, ये सारी चीज़ कुछ नहीं करना। आपको सिंपली क्या करना है, आपके यहाँ पर व्यू कोड पे का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, आपको व्यू कोड का ऑप्शन दे रहा है, डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो टूल बार का ओवरव्यू कोड आपको सामने दिखा देगा छोटे से बॉक्स में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा कोड है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे तीन बटन होंगे, तीन बटन कौन कौन से आपको यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये देखो पहला दूसरा एंड तीसरा। तो मैं तीसरे वालों को मुझे यहाँ पे कॉपी करना है इसका। तो तीसरा वाला कहाँ है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये माई एप्लीकेशन मैट हो गया, और ये सेकेंड वाला टूल बार हो गया, और ये हमारा थर्ड वाला टूल बार है, ठीक। तो थर्ड वाले टूल बार को हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे, और सिंपली यहाँ से कॉपी करने के बाद अपने कोड पे आएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे कम्प्लीटली। पेस्ट करने के बाद सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ पे एरर दिया, एरर यहाँ पे इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने पहली चीज़ इसकी कोई API नहीं यूज़ की, ये मैट आइकन समझ ही नहीं पा रहा है कि मैट आइकन है क्या, और ये नहीं समझ पा रहा मैट बटन क्या है, मैट टूल बार क्या है, ये कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। तो इसलिए हमें ये एरर दे रहा है, और एरर आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में एरर कुछ ऐसा देखेगा, फेल टू कंपाइल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे ये API प्रोवाइड कराता है, API देखो यहाँ पे ऊपर टॉप पे देखेंगे तो API सेक्शन जाएगा, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये API मिल गया। तो आपको सिंपली इसको जस्ट कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे क्या लिखा है, API रेफरेंस फॉर एंगुलर मटेरियल टूल बार मटेरियल के लिए ये हमारा API रेफरेंस है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद अब मैं अपने जाता हूँ ऐप मॉड्यूल डॉट TS पे, और यहाँ पे सिंपली जैसे आप लोग कोई रिएक्टिव फॉर्म्स बनाते थे, ये सब करते थे, तो यहाँ पे इंपोर्ट करते ना, सेम एज दिस आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद इस मैट टूल बार मॉड्यूल को कॉपी करके आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे भी पेस्ट कर देना है, और उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद देखो यहाँ पे फिर से बिल्ड हो रहा है, काफ़ी एरर्स दूर हो जाएंगे ऑलरेडी, ठीक है, काफ़ी एरर्स दूर हो जाएंगे ऑलरेडी का मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसका मतलब अभी एरर आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे एरर अभी आएगा, वो इसलिए कि हमने बटन भी यूज़ किया है, आइकन भी यूज़ किया है। अब देखो क्या एरर आ रहा है, अब यहाँ पे बता रहा है आइकन नहीं समझ पा रहा है, और क्या नहीं समझ रहा,
आइकन है ये भी नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, ये आइकन नहीं समझ पा रहा, अब सिर्फ आइकन नहीं समझ, अभी तक मैट को भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब ये मैट आइकन को नहीं समझ पा रहा। तो चलिए आइकन वाला भी देख लेते हैं। फिर से अपने ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पर हम ढूंढते हैं आइकन कहाँ है। तो आइकन आइकन आएगा, ये रहा आइकन, आइकन पे आया। अब आइकन का भी एपीआई में क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद इसको सिंपली यहाँ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर से अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे आया और यहाँ पर भी जस्ट पेस्ट किया और इसको भी यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर फिर इसको भी मैं पेस्ट कर दूंगा। मैंने पेस्ट करके सेव किया, अब देखते हैं कौन सा एरर आता है, एरर आता है कि नहीं आता है कि ऑल क्लियर है। हो सकता है बटन का एरर आ जाए, क्योंकि मैंने एक बटन भी लगाया, वैसे तो कोई एरर नहीं दिया, एवरीथिंग इज़ फाइन। हमबर्गर लगता है बटन नहीं है, वो भी एक तरीके का आइकन ही यूज़ करते हैं, इससे पहले जब मैं यूज़ करता था तो बटन टाइप का यूज़ होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑल क्लियर है, अब हम ब्राउज़र पे आते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो वाह, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मुझे एक टूल बार, एंगुलर मटेरियल से हमने एक टूल बार बनाया वो दिख रहा है। बट यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि फर्स्ट चीज दिस इज नॉट राइट अलाइनमेंट, आफ्टर दैट ये बटन आपको बहुत गंदा से दिख रहा है, चौकोर चौकोर बॉक्स में दिख रहा है ना, एक डिब्बे डिब्बे में, तो ये बहुत गंदा से लग रहा है। चलो इसको भी फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, ओके, आपको वेबसाइट पे जाना है फिर से और यहाँ पे ढूंढना है बटन कहाँ है, क्योंकि ये जो चौकोर चौकोर बॉक्स है ये एक्चुअली बटन है, ठीक है, और बटन की हमें एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी। बटन की एपीआई इसलिए यूज़ करेंगे, चलिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखा दें। यहाँ पे एक चीज़ पहले ध्यान देना ना, मैट बटन में, मैट बटन, मैट रिसाइज्ड बटन, मैट आइकन, फ्लैट बटन, स्टोक्ड बटन, मिनी फैग, ये सब दिख रहा है ना। चलो अपने कोड में देखते हैं कि क्या कहीं ऐसा यूज़ हुआ है क्या। ये देखो बटन, मैट आइकन, बटन यूज हुआ है ना, तो यहाँ जहाँ जहाँ बटन यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ पर हमें ये ऐसे ही शो करेगा जब तक हम इसकी एपीआई इंपोर्ट नहीं करेंगे अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे। तो हम यहाँ पर आते हैं और ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे इस बटन की एपीआई को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद अब हमारा जो आउटपुट आपको दिखेगा इतना कूल, इतना शानदार, इतना अच्छा होगा, बिल्कुल सेम एज दिस, जैसे एंगुलर मटेरियल में है वैसे ही आपको अपने ब्राउजर पे दिखने वाला है। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। अब देखो यहाँ पे सब चीज़ बहुत प्रॉपरली दिख रहा है, देखो हार्ट दिख रहा है कितना प्यारा, शेयर का बटन कितना प्यारा दिख रहा है, और ये सब अब एकदम शानदार दिख रहा है। बट अभी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि ये राइट साइड अलाइन नहीं है, ठीक है। तो इसको राइट साइड अलाइन करने के लिए हमें क्या करता है, एंगुलर मटेरियल खुद अपना सीएसएस भी देता है कि भैया एक काम करो, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, आप हमारा सी एस एस ही यूज़ करो। तो मैं फिर से अगेन टूल बार पे आता हूँ और टूल बार पे आने के बाद यहाँ पे व्यू शॉर्ट्स पे आता हूँ और यहाँ सी एस एस पे आता हूँ। तो यहाँ पे है डॉट एग्जाम्पल हाइफन स्पेस बार, जिसकी प्रॉपर्टी में फ्लेक्स 1 1 ऑटो है। इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कहाँ करूँगा, अपने सी एस एस पे करूँगा। आप चाहो तो जहाँ यूज़ कर रहे हो उस पर्टिकुलर सी एस एस सैस पे यूज़ कर सकते हो, आपको जहाँ इच्छा हो वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सेव किया और सेव करने के बाद अब रन करा लेता हूँ और अगेन मैं इसको देख लेता हूँ आउटपुट क्या आता है। तो अगेन जब आउटपुट देखता हूँ तो यहाँ हमारा प्रॉपरली एकदम कूल एंड लुक एंड फील बहुत शानदार आ रहा है। तो इस तरीके से हम एंगुलर मटेरियल यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा और बहुत कूल है। और आने वाली वीडियो में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे, बहुत सारे मैट कार्ड्स के बारे में बताएंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे एंगुलर मटेरियल में, जिसके थ्रू एक बेस्ट एंड रिस्पॉन्सिव एक हाइब्रिड एप्लीकेशन टाइप का एक प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं अपने दम पे बिना किसी की हेल्प से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।